जय श्री कृष्ण दोस्तों, सृष्टि ज्ञान चैनल में सबका स्वागत है। दोस्तों आज आगे बात करते हैं एक और जन्म कुंडली को लेकर। ये जो जन्म कुंडली है ये सौरभ पांडे जी की है। सौरभ पांडे जी मैच कीजिए आपकी बर्थ डेटे, नाम सौरभ, बर्थ डेट है 20/1/1993, समय 7:30 7:30 AM, स्थान बस्ती UP। आपकी दी गई डिटेल के अनुसार आपका लग्न मकर लग्न है, स्वामी होते हैं शनि। मकर लग्न शनि सूर्य बुध की युति लग्न भाव में, जहां भावगत सूर्य मजबूत स्थिति में अपने ही नक्षत्र में अष्टम भाव के स्वामी होकर बैठे, शनि लग्नगत होने की वजह से, लग्नेश होने की वजह से मजबूत स्थिति में बैठे, लेकिन दोनों साथ में बैठ गए तो ये कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करेंगे। कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में ये लाते रहेंगे। सूर्य शनि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ग्रह होते हैं, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन ये पैदा करके रखते हैं। हाँ, कभी कभी ये पिता के कर्मों की वजह से पिता को या समाज में थोड़ा सा अप्रियस फैलाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। सूर्य बुध, बुध नारायण अर्थात बुधादित्य योग बनाते हुए ये भी अच्छा है, काफी आपको आगे तक लेके जाएगा। शुक्र वाणी भाव में विराजमान है कर्मेश होकर, कर्मेश का धनेश परिवारेश के अंदर विराजमान होना बहुत अच्छा है। कर्म से आप जितना कर्म करेंगे उतनी ही लक्ष्मी आपके पास में आएगी। लग्न 16 डिग्री का है, मजबूत लग्न है। नक्षत्र है जो आपके लग्न का वो श्रावण चंद्रमा का है, और चंद्रमा मूल नक्षत्र अर्थात केतु के नक्षत्र में है। केतु आपके पंचम भाव में है, वृषभ राशि में, राहु एकादश भाव में है, अर्थात राहु एकादश भाव में होने से ये आपको पिता से या माता से या पैतृक संपत्ति जो आपकी है उससे, या सूर्य या शनि आपका लग्न अगर मजबूत है तो सरकार से भी या बिजनेस से भी आपको पैसा दिलाता रहेगा, पैसा आपका रुकेगा नहीं, ये आपको फायदा देगा यहाँ पे राहु। बात कर लेते हैं आगे, सूर्य की महादशा चली हुई है 29/12/2022 तक। शनि जिसके अंदर अंतरदशा चली हुई है, शनि की पिता पुत्र की दशा और अंतरदशा है, 16/10/2020 तक चली गई है। धनु राशि है आपकी, 7:30 का चरण अभी चला हुआ है। सूर्य की महादशा होने से एक तो आपको सूर्य मकर राशि में बैठे हैं, लग्नगत मजबूत हैं, अपने नक्षत्र में मजबूत हैं, सूर्य की दशम दृष्टि तुला राशि पर पड़ी हुई है, अतः मंगल छठे में बैठे हुए हैं, तो मेडिकल क्षेत्र में तैयारी कीजिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। २९/12/2022 तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए भरपूर, अवश्य बहुत अच्छे चांस हैं गवर्नमेंट जॉब के। गायत्री मंत्र की एक माला का जाप आपको अवश्य करना है स्नान शुद्धि के पश्चात, 108 बार गायत्री मंत्र, और सूर्य के 22 नाम हैं जैसे ओम विकर्तन विवस्वान मार्दंड भास्कर रवि, ऐसे 22 नाम हैं, उनका आप जाप कर सकते हैं। पिता की सेवा कीजिए, सूर्य अद्भुत फल आपको देगा, सूर्योदय से पूर्व उठने का दर डालिए। रविवार के दिन आप जो भी सांड गाय होती है उनको हरा चारा या लाल दाल खिलाइए, अद्भुत रिजल्ट आपको मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको काफी मदद मिलेगी।
बात करते हैं शनि की अंदर दशा चली हुई है, शनि लग्नेश हैं, शनि धनेश हैं, अच्छे घर में बैठे हुए हैं, तो हर तरीके से आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन साढ़े साथी की वजह से ये तकलीफ अवश्य देंगे, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, डिसीजन सो समझ के लीजिएगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करने की आप आदत डाल लीजिए। शनिदेव और शनिदेव की पत्नी के 12 नाम है दोनों के, उनको उठते के साथ ही बिस्तर में ही आप उनका नाम जप कीजिए 3-3 बार। पीपल में जल चढ़ाइए काले तिल डालकर, थोड़ा दूध चढ़ाइए। समी वृक्ष अगर कहीं है, खेजी वृक्ष जिसको बोलते हैं, उसकी अगर आप दीपक जला के सेवा करते हैं तो शनिदेव लग्नेश और धनेश होने की वजह से आपके आजीवन हर तरीके से चौतरफा धन ही धन आपको देगी, हर तरीके की सुविधा आपको मिलेगी। शनिदेव के और शनिदेव की पत्नी के 12 नाम, दशरथ के शनि स्तोत्र, सूर्यदेव के 12 नाम मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। नमक का दान कीजिएगा जब तक सारे साथी है, जब तक सूर्य की महादशा है नमक का दान करें, नमक का सेवन कम से कम करें। जूते चप्पल अपने पैरों को साफ रखें, पुराने जूते चप्पल कपड़े हैं उनका दान करें। काले तिल गाय को खिलाएं, फिर देखिए कैसे आपका अद्भुत काम होता है। बिजनेस भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब के प्रबल योग हैं, तो इतना कीजिए आप, फिर इसका आनंद उठाइए। समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और जो भी कुंडलियां मैंने देखी हैं तो एक पेज पर जिसे ब्लॉगर बोलते हैं, ब्लॉगर पर मैं आपके जो सवाल है उनके नीचे वो टाइप कर दिया करूंगा ब्लॉगर के पेज के ऊपर, कुछ दिनों में शुरू करूंगा, तब तक धैर्य बनाए रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए ताकि संख्या बढ़ सके। और भी पूजा पाठ से संबंधित, हेल्थ से संबंधित हर तरीके की मैं वीडियो डालता रहूँगा, बस आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के साथ ही विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।